कामधेनु रामलीला समिति की तरफ से दिल्ली के विनोद नगर में आयोजित रामलीला धूमधाम से संपन्न हो गया। रामलीला के आखिरी दिन समिति के संयोजक कुलदीप भंडारी ने लीला को सफल बनाने में जुटे लोगों को धन्यवाद दिया। इस मौके पर कुलदीप भंडारी ने कहा कि कामधेनु रामलीला समिति आगे भी इसी तरह से रामलीला का आयोजन करता रहेगा। आज के युग का संचालन कौन कर रहा है? सुना है कि हम सीताराम जपी जाए विधि राखे राम। तालियों से साथ दीजिएगा। कामधेनु रामला को पिछले 3 महीने से लगातार इससे जुड़े रहे और ये व्यवस्था बनाए रखी है। पिछली दफे लास्ट टाइम पे कामधेनु रामला 85 रामलाओं में सेकंड नंबर द्वितीय श्रेणी प्राप्त करिए, तो उसके लिए ये सब तो है ही, उससे ज्यादा आप लोग हैं जो आप सामने बैठे हुए हैं। लगा हमारा आखिरी दिन है और आज हमारा जो रामलीला का जो राज तिलक का है, तो उस राज तिलक को देखने के लिए हर एक बच्चा से लेकर बड़े से लेकर सभी आए हुए हैं, क्योंकि इतना आप लोगों ने, मैं आप न्यूज़ वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने टीवी पे इस रामलीला को चलाया है। उसको देख के भी सारे बच्चे, क्योंकि हर एक ने देखा है कि अगर नंबर वन रामला अगर हो रही है उत्तराखंड की, तो वो बद्रीनाथ के प्रांगण में हो रही है। उसके लिए आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और आप लोगों की वजह से ये भीड़ भी सारी जुटी हुई है, क्योंकि हर एक बंदा फेसबुक से लेकर यूट्यूब से लेकर आप लोगों का हर एक बार देख रहा है और इतनी भीड़ आज जुटी हुई है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों से लेकर सबकी भीड़ इसीलिए जुड़ी हुई है राम तिलक राज तिलक करने के लिए। उसका सारा श्रेय हमारे जो कार्यकारिणी है, इसमें हमारे 228 लोग हैं पूरी कार्यकारिणी में, वॉलंटियर से लेकर जेंट्स पुरुष को मिलाकर 228 लोगों की हमारी टीम है जो इस रामला को व्यवस्था से बनाने में लगी हुई है, तो उनका सम्मान करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बधाई के पात्र वही हैं इस रामला को संभालने वाले। अगले साल तो हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि सारे पात्र पिछले 4 सालों से मंजे हुए कलाकार हो गए हैं। जितना जितना ये पुरानी होती जाएगी उतना इसमें निखार आता जाएगा और ये रामलीला सर्वश्रेष्ठ रामलीलाओं में से एक हो जाएगी। इस रामलीला की खास बात ये रही कि इसमें मंचन के लिए किसी प्रोफेशनल को नहीं बुलाया गया, बल्कि आसपास के लोगों ने ही अपने काम से वक्त निकालकर इस रामलीला के मंचन में अपना किरदार निभाया। इसमें 3 से 4 महीने की मेहनत लगती है, जो हमारे को यहाँ पे डायरेक्शन दी जाती है, माध्यम होता है हमारा रिहर्सल का, जो पिछले 3 से 4 महीने से हम लोग रिहर्सल करते हैं निरंतर रूप में, जितने भी पात्र हैं, चाहे मेरा हो, पर्टिकुलर रावण हो, मेघनाथ हो, कुंभकर्ण हो, राम हो, लक्ष्मण हो, सीता हो, भरत, शत्रुघ्न, जितना भी परिवार है राम परिवार, तकरीबन कम से कम 40 से 50 पात्र होते हैं जो पिछले 3 से 4 महीने से मेहनत करते हैं कंटिन्यूस। उसके बाद ये 9 दिन 10 दिन तक जो भी कार्यक्रम चलता है उसके प्रारूप पे चलता है सर ये। और हमारे भाई कुलदीप भंडारी जी, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस कामधेनु परिवार के मंच में आज आपके सामने खड़ा हूँ। मेरा अहरान का रोल है। अच्छा, मैंने से हम बहुत मतलब मेहनत करते हैं, काफ़ी रिहर्सल चली हमारी, काफ़ी मतलब मेहनत करते हैं हम लोग। मेहनत बहुत है, 4-5 महीने हमारी मेहनत रहती है, जॉब भी करते हैं और शाम को हम रिहर्सल भी करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं मतलब। तो मतलब 5 बजे से ऑफिस से आते हैं, 6 बजे घर पे पहुंचते हैं, फिर घर पर आके हम 7 बजे से रिहर्सल करते हैं, रात को 11 बजे तक हमारी रिहर्सल चलती है, फिर हम खाना वाना खाते हैं, फिर खाना खाने के बाद सुबह फिर ऑफिस की भी हम तैयारी करते हैं, काफ़ी मतलब मेहनत करते हैं हम। आपका क्या नाम है? मैं हरीश का प्रमाण हूँ, मैं निकम्बू के रूप में हूँ। आधा बच्चों को ये भी नहीं पता होगा निकम्बू कौन है, रावण का एक छोटा बेटा निकम्बू है और उनके साथ में चलता है और हमेशा हर युद्ध में उनके साथ में चलता है। संचालन हमारे मेघनाथ कुंभकर्ण करते हैं, उनके साथ में हमेशा उनके साथ में खड़ा हूँ।